क्या आपको भी जानना है कि मुझे कितने पैसे मिले, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका। तो मैंने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया, मतलब मेरा यूट्यूब पेमेंट और मेरी डेब्यू मूवी जिसमें से मेरा छोटा सा रोल था वो साथ ही रिलीज हुआ। तो हम सब मूवी देखने गए थे और उसके बाद हमने डिनर किया, तो ऐसे मैंने सेलिब्रेट किया था। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 2 अगस्त 2022 में, तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो 6 महीने बाद मेरा पहला यूट्यूब पेमेंट आया है। ये जर्नी आप लोगों के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, तब जाके मुझे मेरा पहला पेमेंट आया है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो एक ऐसा वीडियो है जो मेरा बहुत चला है, तो वो कौन सा वीडियो है मैं बता दूँगी आपको। और उस वीडियो की वजह से ही मुझे 6 महीने में मेरा पहला पेमेंट मिला है। तो अगर आप सोचो, अगर वो वीडियो नहीं चला होता, वो वीडियो नहीं हिट करा होता, तो शायद मुझे और 6 महीने या 1.5 साल, 1 से 1.5 साल लग गए होते मेरा पहला पेमेंट आने में। उस वीडियो की वजह से मेरा पेमेंट 6 महीने में आया है। मेजॉरिटी ऑफ द जो इनकम जनरेट हुआ है वो उसी वीडियो से जनरेट हुआ है। तो थैंक यू उस वीडियो को इतना वायरल करने के लिए, मतलब मेरे लिए तो वायरल ही हुआ। तो उस वीडियो पर अभी 1,64,000 व्यूज़ है, तो इतना व्यूज़ भी आना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू। जब आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको $100 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप $100 कंप्लीट करते हो तो ही आपके अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा। तो जैसे कि आपने $100 कंप्लीट कर लिया, आपको सबसे पहले YouTube से मेल आएगा कि आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, आपके $100 कंप्लीट हो गए हैं, हमने हमारे तरफ से आपका पेमेंट रिलीज कर दिया है। तो 21 जनवरी को मुझे वो मेल आया था कि आपका पेमेंट हमने रिलीज कर दिया है। एंड मुझे बैंक से 2 दिन बाद मैसेज आया था कि आपके अकाउंट में फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ रुपीज कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे आपके अकाउंट में। जो भी वो मैसेज आया है, वो मैसेज भी मैं बता दूंगी आपको यहाँ पर। तो मुझे 2-3 बार बैंक से मैसेज आ रहा था, सेम मैसेज कि $US दिस इज अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, एंड आप ब्रांच पे विजिट करो, जो भी ऐसा मैसेज मुझे आ रहा था। तो मुझे लगा मे बी शायद मुझे कुछ फॉर्म भरना होगा, या अगर अपने आप क्रेडिट होना होता तो अब तक तो आ जाता, बट अभी तक कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे बैंक से नहीं आया था, मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होकर। तो मैंने मेरे यूट्यूबर फ्रेंड से भी पूछा था, तो उसने बताया है कि वो जो अमाउंट है वो अपने आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें कुछ भी भरना नहीं पड़ता है फॉर्म। तो मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो देखा था उसमें वो मुझे फॉर्म भर के बता रहे थे कि आपको फॉर्म भरना होता है। तो मैं सोची यार 4 दिन हो गए अब तक अकाउंट में नहीं आया, एंड सेम मैसेज रिपीट हो रहा था। तो मैंने फॉर अ सेटिस्फैक्शन में चली गई बैंक में, मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया है कि आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना होता है, वो अपने आप बैंक क्रेडिट करके देता है। क्योंकि जब हम यूट्यूब पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो हम बैंक का स्विस कोड ये सब चीज़ें हम देते हैं सामने यूट्यूब को, तो वो अपने आप ही मैनेज कर लेता है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जिस दिन मैं बैंक गई थी, मैंने बाद में ऐसी रैंडमली चेक किया कि मैं देखूँ मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है ऐसी, तो पता चला कि यार ऑलरेडी क्रेडिट हो गया था, मतलब उसी दिन ही क्रेडिट हुआ था, बट मुझे ऐसा मैसेज नहीं आया था, तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। बट फाइनली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो 21 को मुझे मेल आया था, एंड मेरे अकाउंट में आते आते समझ लो 1 हफ्ते तो मुझे लग गए। मे बी सबके बैंक का अलग अलग सिस्टम होगा, शायद 5 दिन में भी आ जाए। तो 4 to 7 days में आपका जो पेमेंट है $US में, वो अपने आप ही कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीस में आ जाता है आपके बैंक में। तो एक वीडियो में अलग से बनाने वाली हूँ कि कितने व्यूज पर कितने डॉलर्स मिलते हैं हमें, या कितने व्यूज पर कितना इनकम जनरेट होता है, तो वो वीडियो में अलग से बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। $100 इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, मतलब जब मैंने YouTube ज्वाइन नहीं किया था, हमको लगता था कि यार सब बहुत ही अर्न करते होंगे, मतलब सब कुछ ईजी लगता था इन शॉर्ट। बट जब मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया, तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी।
बहुत मेहनत, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वो $100 इकट्ठा करने में भी। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपके वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं तो ही फ़ायदा है। अब मैं बता रही हूँ, जो मेरे वीडियो पर जो मेरा मॉन्टेरिया वाला वीडियो है जो अच्छा व्यूज़ गया है उस पर उस वक्त 150,000 व्यूज़ थे एंड हमने इकट्ठा किया था कुछ $70 अराउंड। तो 1.5 लाख व्यूज़ पर मुझे $70 मिले थे, लेकिन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, बट स्टिल हमने कंप्लीट किया। तो अब लेट्स सी मेरा सेकंड पेमेंट कब आता है, उसे कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि जल्दी अगर पेमेंट लाना है तो कोई ना कोई वीडियो वायरल होना चाहिए जिस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, क्योंकि मैंने जो देखा है लैक्स के ऊपर व्यूज़ होंगे तो ही कुछ फ़ायदा है। सो होप फॉर द बेस्ट। तो अब जानना होगा कि मुझे कितना इनकम जनरेट हुआ है। तो जैसे कि बताया था $100 पर आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है। तो जैसे कि YouTube का जो क्राइटेरिया है, जो टाइम पीरियड है, वो 21st to 25th है एंड मैंने शायद 26th को $100 कंप्लीट किया था, तो वो पूरा महीना निकल गया। एंड अगर मुझे पेमेंट आता भी तो वो जैन में आता मुझे पेमेंट, तो 21st to 25th जैन में मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे जो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो है $104। तो $104 मुझे मिला है YouTube से एंड YouTube के क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने पढ़ा था उसमें बताते हैं कि YouTube 30% ऑफ हमारा पेमेंट अपने पास रखता है। तो मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर $100 कितना होता है, 8,000 रुपीज़ होता है, ठीक है, आज के डेट में, तो 30% कितना होगा, 5,000 समथिंग होगा। तो मैं सोचती अच्छा चलो 5,000 अमाउंट समथिंग आएगा मेरे अकाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मेरा $104 था, आज के रेट में वो होता है कुछ 8,400 कुछ अमाउंट होता है, बट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 8,196 अमाउंट हुआ था। तो मतलब सिर्फ 200 से 300 रुपये ही कटे हैं, मे बी शायद वो बैंक चार्जेस होंगे। और रही बात जो कहते हैं ना कि YouTube 30% ऑफ पेमेंट रखता है हमारा, तो शायद वो रख कर ही हमें ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो मुझे इतना अमाउंट मिला है। सो पहला पेमेंट लेने में मुझे 6 महीने लग गए। आई होप मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और कम से कम 3-4 महीने में तो $100 इकट्ठा कर लूँ। एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों के वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच।